पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की नगर पालिका द्वारा आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया गया। नगर पालिका ने स्वच्छता को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र में लगातार किए थे। वहीं आज गांधी जयंती के मौके पर क्षेत्रीय विधायक नीना विक्रम वर्मा द्वारा अमृत योजना 2 के तहत नगर पालिका को लगभग 28 करोड़ परियोजना के लोकार्पण भी किए गए। आज के इस स्वच्छता सेवा समापन कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों, शहर के स्वच्छ संस्थानों, विद्यालय, होटल आदि को भी सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों द्वारा स्वच्छता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए कपड़ों के झोले भी वितरण किए गए। साथ ही नगर पालिका कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटी, एनजीओ, मीडिया के साथ ये बता, आज का ये जो आयोजन है स्वच्छता को लेकर, जो आज पीथमपुर का स्वागत है, क्या है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो कि हम स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को जो एक अभियान दिया था, आज उस अभियान अपने एक नए मुकाम के ऊपर चलता चला जा रहा है, और जिसका परिणाम है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उत्तम बनाते चले जा रहे हैं। आज हमारे देश के सभी नागरिकों ने जो स्वच्छता का संकल्प लिया, और उसी संकल्प को हम आगे बढ़ाने का हम लोग फिर से संकल्प ले रहे हैं कि ये स्वच्छता हम लगातार बनाए रखें। इसीलिए हमने स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया है, जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको सम्मानित किया है, स्वच्छ एजेंसियों, होटल और व्यवसायियों को सम्मानित किया है, ताकि वो अपना इसी तरह का अपना स्वच्छता बनाए रखें, ऐसी आशा और उम्मीद है। आज की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, आपके माध्यम से सभी क्षेत्र के नगरवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दशहरे की माँ शक्ति आप सभी की मनोकामना पूरी करेगी, ऐसी आशा ही और उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा आज 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। इस अवधि में नगरपालिका ने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए थे, जैसा कि आप जानते हैं। इसी तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत 2.0 परियोजना के तहत नगरपालिका पीथमपुर के अमृत परियोजनाओं का लगभग 28 करोड़ के लागत का ई लोकार्पण किया गया है, जिससे अब आगे इन कार्यों को शुरू करने में हमारी बाधा समाप्त हो गई है। इसी प्रकार से आज जो हमने आयोजन किए हैं, उसमें सभी प्रकार के आयोजन आपने देखा होगा हुए हैं। स्वच्छता मित्रों का हमने सम्मान भी किया है, स्वच्छता मित्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है, गायन किया है, वादन किया है, बच्चों द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता की थीम पर आधारित प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार से हमने प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कपड़े के झोलों का भी वितरण किया है। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएँ हमारी इस स्वच्छता पखवाड़े में आयोजित हुई थी, उसमें उसके भी पुरस्कृत प्रतिभागियों को हमने यहाँ से पुरस्कार दिया है। आपने देखा होगा बाहर हमारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी चल रहा है, आज हमने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया था। इस प्रकार से हमने इस स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर हमने काफ़ी सारे बृहद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।